श्री गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र में चल रहे दुर्गा पूजन के अवसर पर गुरुवार को प्रातः नवमी को मां सिद्धिदात्री देवी का पूजन हुआ एवं विधिवत आरती गोरक्षपीठाधीश्वर व महंत योगी आदित्यनाथ महाराज द्वारा संपन्न हुआ। दोपहर 12 बजे नवदेवी स्वरूपा कुंवारी कन्याओं एवं बटुक भैरव का पूजन व आरती विधि विधान से नवीन भंडारण गृह में संपन्न कराने के उपरांत उन्हें भोजन प्रसाद तथा दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। इसके बाद सायंकाल गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज द्वारा गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, स्थापित माँ दुर्गा की विधिवत पूजन, भगवान राम लक्ष्मण सीता का षोडशोपचार पूजन, भगवान कृष्ण एवं गोमाता का पूजन, नवग्रह पूजन, विल्व अधिष्ठात्री देवता पूजन, शस्त्र पूजन, द्वादश ज्योतिर्लिंग अर्धनारीश्वर एवं शिव शक्ति पूजन, वटुक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन, दुर्गा सप्तशती के पाठ एवं वैदिक मंत्रों के साथ हुआ। विजयदशमी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने बताया कि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के दिन सुबह 9 बजे श्रीनाथ जी के मंदिर में अपने योगियों संतों की टोली के साथ जाएंगे। श्रीनाथ जी का विशेष अनुष्ठान व पूजन उनके द्वारा संपन्न होगा। अपराह्न 1 बजे से 3 बजे तक स्थानीय भक्तों द्वारा गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम मठ में संपन्न होगा। 4:30 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज की भव्य विजय शोभा यात्रा के रूप में गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। वहां पर भगवान शंकर सहित सभी देव विग्रहों का पूजन, आरती के उपरांत शोभा यात्रा श्री रामलीला मैदान पहुंचेगी। वहां पर गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा भगवान श्री राम का रास तिलक का कार्यक्रम संपन्न होगा। तदुपरांत शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर में वापस आएगी।